तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल। जैसे कि बात कर लेते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल क्यों लगाते हैं। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल हम इस सेम एक्सटर्नल पिवट टेबल का मतलब होता है कि आपका डेटा किसी और फाइल में हो और पिवट किसी और फाइल में लगा रहे हो, या किसी और सॉफ्टवेयर में डेटा हो और आप एक्सटर्नल पिवट लगा रहे हो, उसको एक्सटर्नल पिवट कहा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हम पिवट टेबल एक्सटर्नल पिवट टेबल सेम फाइल में भी लगाते हैं। अब सेम फाइल में क्यों लगाते हैं, चलिए पहले इसको समझते हैं फिर आगे समझेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डेटा के अंदर कोई नई चीज एडिट कर रहे हो, डेटा में कोई अगर आप नई चीज एडिट कर रहे हो तो आपको पिवट में उसको जाके अपडेट करना पड़ता है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पिवट लगाया यहाँ पे, और पिवट लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने कोई सेल्स मैनेजर या कुछ ऐसी कुछ भी ऐसा ले लिया हमने, तो इसको अब नया चीज में अगर नया डेटा नीचे ऐड करेंगे तो मुझे जाके पिवट पे एनालाइज में जाके इसको चेंज डेटा सोर्स करके पिवट को दोबारा से रीसिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट सर। अब उसमें इसमें बात आती है कि मुझे ऐसा पिवट चाहिए बनाना है जो कि मैं डेटा डालूं रिफ्रेश करूं तो अपने आप डेटा अगर बढ़े तो अपना रेंज को बढ़ा ले, डेटा घटे तो अपना रेंज को घटा ले। तो यहां पे हम यूज करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड। हम नई सीट में जाएंगे जहां पिवट लगाना है, वहां पे हम कर्सर रखेंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहां यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, और ये फाइल जिस लोकेशन में सेव है वो लोकेशन में जाइए। उस फाइल को सिलेक्ट करें। अब ध्यान रखिएगा जब भी पिवट टेबल आपका लगता है एक सीट से ही लगता है। यहां पे हम डेटा सीट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके एंड ओके। ठीक है, अब आपका पिवट लग गया किसी और सीट से। अगर डेटा नया अपडेट कर, जैसे मान लीजिए मैंने सेल्स पर्सन रखा और मैं एक नया एंट्री करता हूं यहां पे 1783 क्वार्टर वन बेस्ट आज का डेट डाल दिया दिल्ली, रवि यहाँ पे रवि, और सेल्स पर्सन में यहाँ पे डाल देता हूँ विकास। विकास नया डाला मैंने, इंडिविजुअल मेल एमबी, बाकी सब मैं इसी को लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपने पिवट को जस्ट रिफ्रेश करना है और नया डेटा आ गया अपने आप, मुझे नया बढ़ाओ उसको इंक्रीज जाके इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना सर जी। समझ में आ गया। तो एक बेनिफिट ये होता है। अब चलिए अगला बेनिफिट समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कोई डंप फाइल होता होगा जो कि काफी बड़ा फाइल है, समझ गए। अब उस बड़ा फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने में काफी टाइम लेता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट,
जब भी उसमें कुछ करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाता है। तो डंप डेटा को हम अपडेट तो एक बार ही करते हैं, बाकी तो उससे हमें रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं डंप फाइल को खोलू ही नहीं और हम किसी और फाइल में पिवट कैच करूं, पिवट लगाऊं, ताकि हमें फाइल ओपन करने और फाइल के ऊपर जो हम काम करते हैं तो बार बार जो हैंग होता है वो हैंग करने का टाइम बच जाए, और दूसरा फाइल भी सिक्योर रहेगा, क्योंकि डंप पे काम करेंगे तो हो सकता है कि हमें हमारा फाइल करप्ट हो, मैंने करप्ट होने के चांसेस हो, या फिर डेटा डिलीट हो सकता है किसी से, इसलिए हम फाइल को एक्सटर्नल बेबैक लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो यहां पे हम जाएंगे इंसर्ट में, मैक्रोज, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और हम अपने डेस्कटॉप में जाते हैं, अपने फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन, डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन एंड ओके। आपका पिवट लग गया, बाकी तो ये सबको उठा के कैसे कैसे रखना है तो आपको पता ही है। ठीक है सर, दोबारा बता, दोबारा बता देता हूँ। हम जाएंगे पिवट टेबल, चूज कनेक्शंस। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि आप एक बार जब कनेक्शन एक बार जब पिवट लगा देंगे तो यहां पे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। देखा आपको यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट है। दोबारा अगर आपको पिवट लगाना है तो दोबारा ब्राउज पे जाके और फाइल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? अच्छा, वैसे ही सिलेक्ट है। यहाँ पे देखा है ना आपको कि आप यहाँ पे जाके ब्राउज पे मोड पे जाके फाइल सिलेक्ट करेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ही पे आपको सीपी सीएफ दिख रहा है ना, आपको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड इसको ओपन कर दिया सीट सिलेक्ट करके एंड ओके कीजिए, आपका पिवट क्रिएट। ठीक है सर, वो फाइल खोलना जरूरी नहीं है सर? नहीं, वो सिस्टम पे जरूरी है बस, वो फाइल खोलना जरूरी नहीं है। नहीं, बस उस लोकेशन में फाइल कराना जरूरी है। हाँ, उन लोकेशन में फाइल कराना जरूरी है। ये तो ऐसे सर, अरे अपन पेन ड्राइव में रखें फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को, तो लिंक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेन ड्राइव का पाथ सेम होना चाहिए। अच्छा, वो ड्राइव का जो नए में वो चेंज होता रहता है अलग कंप्यूटर में। हाँ सही समझ गया। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं अदर एप्लीकेशन, जैसे कि एक्सेस के। अब एक्सेस पे जाने से पहले जान लेते हैं कि एक्सेस में हम अपने डेटा को क्यों रखेंगे। उसकी दो रीजन है। पहले रीजन ये है कि आपके एक्सेल में लिमिटेशन है डेटा रखने की, ठीक है ना? और दूसरा, जब ज्यादा बड़ा डेटा रखते हैं तो काफी हैंग होने लगता है, तो उस केस में हम एमएस एक्सेस में डेटा को रखते हैं। दूसरा, एक्सेल की सिक्योरिटी को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, जैसे कि आप
विनोद जी से बात कर जान सकते हैं, विनोद जी ने कई बार पासवर्ड को तोड़ा है। एमएस एक्सेस की पासवर्ड सिक्योरिटी को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है एक्सेल के कंपेयरिंग में। ये नहीं कह सकता कि तोड़ा नहीं जा सकता, हो सकता है तोड़ा जा सकता है, लेकिन कंपेयरिंग एक्सेल थोड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, तो इसलिए हम एक्सेस में रखते हैं, क्योंकि एक्सेस एक डेटाबेस है और एक्सेल डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस की सारे नियमों को पूरा करता है एक्सेस, तो हम लोग एमएस एक्सेस में डेटा को रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एमएस एक्सेस में रखने के बाद हमें एनालिसिस वगैरह करने होते हैं, तो उसको हम लोग एक्सेल में लाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि एक्सेल में हमें डेटा अगर लेके आएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम कि हमारा डेटा काफी बड़ा हो जाएगा। क्या एक्सेल से जब डेटा नहीं संभला तभी तो एक्सेस में हमने डाला, सही। तो अगर हम डेटा ही लेके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हमें उसको एज ए पिवट टेबल लेके आना होता है ताकि उस पर हम एनालिसिस कर सके। तो हम पिवट टेबल पे जाते हैं, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, और फिर यहां पे अगर कनेक्शन बना हुआ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप चले जाइए अपने लोकेशन में जहां पे आपकी एक्सेस की फाइल है। समझ गए? तो हमने एस डेटा हमारा मान लीजिए, एस डेटा को सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। अब एस डेटा में क्यूरी भी है, टेबल भी है, तो आपको क्यूरी चाहिए तो क्यूरी ले सकते हैं, डेटा चाहिए तो डेटा ले सकते हैं, तो जो चाहिए आप सिलेक्ट कीजिए एंड ओके। अब क्यूरी को लेते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि कई सारे अलग अलग सीट्स पे डेटा है, उसको कंबाइन करना, कैलकुलेट करना, तो क्यूरी इस चीज को कर लेता है, तो उसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे हमारा एमएस एक्सेस से मेरा पिवट लग गया, बाकी तो इसको उठा के सब में रखना है, इतना तो अपना आता ही है आपको। हमने पिवट कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जो भी करेंगे वो एमएस एक्सेस से आएगा। हाँ, एमएस एक्सेस में कोई चेंजिंग होगा तो हमें यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, रिफ्रेश। अब बात करते हैं कि उसके अलावा, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ओरिकल में डेटा रखते हैं, बहुत सारे लोग सीक्वल सर्वर में रखते हैं। अब ओरिकल सीक्वल सर्वर क्या है इसके बारे में जान लीजिए। SQL सर्वर डेटाबेस, वो भी एक डेटाबेस है, एक्सेस जैसे डेटाबेस है वैसे वो भी डेटाबेस है, लेकिन वो लार्ज डेटाबेस है। जब खरबों की डेटा होती है एक कंपनी के पास, अब इसका बोला जाता है कि एक्सेस में क्यों रखेंगे, तो दो कारण है। पहला कारण कि एक्सेस सिर्फ 2 GB तक का डेटा को स्टोर करता है। एक्सेस में रो एंड कॉलम की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन साइज की बाउंडेशन है कि आप एक एक्सेस 2 GB की एक एक्सेस फाइल बना सकते हो, 2 GB से डाटा का फाइल नहीं बनता है एक्सेस में, राइट? यहां पे दिक्कत आ गया। दूसरा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सेस की सिक्योरिटी को भी इजीली ब्रेक किया जा सकता है, इसलिए हम बात करते हैं SQL सर्वर की, जो कि काफी बड़ा डेटाबेस है, बड़े डेटाबेस को कैरी करता है, और दूसरा उसकी सिक्योरिटी भी कमाल की है, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी की पैरामीटर्स डाले जा सकते हैं जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा बहुत मुश्किल होगा सर। ठीक है, एसएस पे डेटाबेस कैसे बनाएंगे? क्या एसएस वाली फाइल पे डेटाबेस कैसे बनाएंगे सर? हम बताएंगे सर आपको, अभी फिलहाल हम आपको एक्सेस के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी तो एक्सेस चल रहा है ना सर, हम जस्ट क्लिक कनेक्ट करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चूज कनेक्शन में जाते हैं और हम ब्राउज फॉर मोर पे आते हैं और हम जाते हैं न्यू सोर्स में जहां हमें SQL सर्वर मिलेगा। लेकिन SQL सर्वर आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब SQL सर्वर का सर्वर नेम आपको पता होना चाहिए, सर्वर नेम, जैसे मेरे SQL सर्वर का सर्वर नेम है। अब SQL सर्वर जो है दो तरह के होते हैं, पहला होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आपका डेटाबेस आपकी उसी लैपटॉप, मेरी जो लैपटॉप है उसी लैपटॉप में है, इट मींस लोकल होस्ट। दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर, मतलब कि मेरी डेटाबेस कहीं किसी नेटवर्क में किसी और पीसी का डेटा है और उसको हम क्लाइंटली रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं।
जब आपके पास लोकल होस्ट है तो मोस्टली विंडो ऑथेंटिकेशन पे चल जाता है, लेकिन जब क्लाइंट सर्वर होगा तो फिर इस पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि आपको प्रोवाइडेड होगा। फिर नेक्स्ट कीजिए। अब उसके बाद जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो एक एक सर्वर पे कई सारे डेटाबेस होते हैं, तो आपको चूज करना है कि कौन सा डेटाबेस चाहिए। और एक डेटाबेस में कई सारे टेबल्स होते हैं, तो टेबल्स एंड क्यूरी होते हैं, तो आप सेलेक्ट कीजिए अपने टेबल्स एंड क्यूरी को एंड उसको नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश कीजिए। तो मेरा जो डेटा है वो एमएस एक्सेस में पड़ा है और एज ए पीवर्ड हमने इस पे लगा लिया है। ऐसे ओरेकल वगैरह भी कर सकते हैं कि ओरेकल मेरे सिस्टम में है नहीं, वरना बता देता। दूसरी कि मुझे एक नेटवर्क पाथ से बार बार डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है, समझ गए? मुझे एक नेटवर्क पाथ से बार बार डेटा को डाउनलोड करना होता है। जैसे कि मैंने यहां पे सर्च कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए यही, मुझे इस लोकेशन से बार बार डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उस पर पीवट लगाना पड़ता है। या इसको ले लेते हैं, नहीं तो एचटीएमएल है ना। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि मेरा पीवट जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, जब मेरा पीवट डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करे और पीवट लगा दे, मुझे बार बार ना करना पड़े। तो उस केस में कैसे करेंगे? तो इंसर्ट पिवट टेबल, अभी चूज कनेक्शन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्राउज पर मोड पे जाएं। अब जैसे कि इसको न्यू सोर्स में जाके, एडवांस में जाके और इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर सेट करने होते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब आपको पता ना हो कि डेटाबेस को कैसे ऐड किया जाएगा, लेकिन उसका पूरा पाथ आपके पास हो, बस उस पाथ को इस फाइल नेम में ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने ऐड कर दिया, वो अपने आप उसको सेट करके आपका डेटा को डाउनलोड कर लेगा। अच्छा, इसमें वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें HTTPS नहीं लगा हुआ है। अब चलेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। हो गया, इसमें एक ही सीट था, एक हाँ नहीं कई सारे सीट, एक नहीं कई सारे सीट है, जिस सीट से लगाना है उस सीट को सिलेक्ट कर लीजिए आप एंड ओपन एंड ओके, ठीक है। तो पिवट आपका लग गया। तो इसमें अब इसमें देखिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है? देखिए एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाते समय ध्यान रखिएगा कि आपका पहला रो जो है वही हेडिंग होना चाहिए। अगर पहला रो हेडिंग नहीं, क्योंकि जब एक्सटर्नल पिवट टेबल लगता है तो पहले रो में जाके खोजता है डेटा को, अगर नहीं मिला तो ब्लैंक, जैसे यहां पे देखिए ब्लैंक पिवट टेबल लगा दिया, इसलिए आपके डेटा का पहला रो जो है पहले रो से डेटा स्टार्ट होना चाहिए, हेडिंग स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है सर? हेलो मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ये हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल था, तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पिवट टेबल आप क्रिएट कीजिए, ठीक है सर। एक जो अपन वेबसाइट के थ्रू लेते हैं, जैसे NSC इंडिया के डाटा लेंगे, तो वो भी पिवट टेबल से ले सकते हैं सर? डेटा अगर एक्सेल की फॉर्मेट में है तो आप ले सकते हैं, अगर एक्सेल की फॉर्मेट में नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। वेबसाइट के पेज का डेटा नहीं लेके आएगा वो सर। कहते मतलब पेज का डेटा जैसे होता है ना कि आपका वेबसाइट का, जैसे हमने ये ओपन कर लिया, मान लीजिए आप nsindia.com खोलिएगा। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, तो इस पे जो डेटा ये डला हुआ है ना, जैसे डेटा इस डेटा को नहीं पिक नहीं लेगा वो, एज ए पिवट जब क्लिक पे क्लिक करते पिवट यहाँ पे डाउनलोड होता है, क्लिक कर देगा आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड हो रही है, अगर ये एक्सेल फाइल ऐसे डाउनलोड होती उस पास को लेगा वो सर, वो एक्सेल फाइल से लगाएगा डाउनलोड आपका, आपके इससे नहीं लगाएगा, HTML से लगाएगा। लास्ट में अगर .xls का पाथ है तो आप लगा सकते हैं, .html, .और कोई भी हुआ तो नहीं लगा सकते।
नहीं अपन जो वेबसाइट से डाटा वैसे उठाया, नहीं तो जैसे मैं एक्सेल पे उठाता हूँ ना एनएसए, वो आप कॉपी पेस्ट करके लाते होंगे ना सर? नहीं नहीं वो ऑटो रिफ्रेश होता है ना सर। हाँ तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो डेटा लाने का दूसरा तरीका है, वो हमारे पास यहाँ बिब स्क्रिप्टिंग कल आती है, जो कि डेटा मेनू बार में यहाँ होता है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स फ्रॉम बिब, यहाँ से आता है। हाँ यहाँ से लेके आता हूँ। हाँ लेकिन ये तो डेटा लेके आता है ना, पेज का डेटा लेके आता है, लेकिन ये पिवट जो है फाइल का डेटा होता है। एफटीपी में कोई फाइल पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड करते हो फिर पिवट लगाते हो, तो डाउनलोड और पिवट लगाने का टाइम को सेव कर देता है। ठीक है जी, ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए। कल हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस चीजों और स्लाइसर्स के बारे में। अच्छा फॉर्मूले कब शुरू करोगे? फॉर्मूले दो क्लास बाद। स्लाइसर्स का मतलब क्या होता है? फिल्टर के लिए इस्तेमाल होता है, कल बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है ठीक है सर, ओके।